हेलो। आपकी जर्नी खत्म हो चुकी है, किस तरह की रिस्पॉन्सेज अभी बाहर से मिल रहे हैं आप लोग आपको? यार मुझे बहुत प्यार मिल रहा है बाहर से, ऑनेस्टली इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बहुत प्यार, बहुत मैसेजेस, बहुत डीएम, बहुत कोलाजेस बन रहे हैं, बहुत चीज़ें। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक कुछ ना कुछ अंदर ठीक ही किया होगा। आई थिंक जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, और बाकी लोगों का मैं देख रहा हूँ कि उनको अजीबोगरीब बोला जा रहा है, तो बट या आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। आई थिंक जो इतना प्यार मुझे मिल रहा है लोगों का। जिस तरह से सलमान सर ने आपका नाम लिया, उसके पहले सलमान सर थोड़ा खेल रहे थे सालिन के साथ, किरण के साथ, तो क्या क्लिक हुआ जब आपका नाम लिए कि कंफर्म है कि क्या है? नहीं, वो मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे वो। आई थिंक वो करते हैं कई बार। बट उन्होंने जब मेरा नाम लिया, उसके बाद भी किसी को नहीं लगा था कि मैं जाऊंगा। इवन सौंदर्या भी बहुत वो थी कि नहीं, इस बार कोई नहीं जाएगा एंड स्टफ। बट जब बिग बॉस की आवाज़ आई मुझे कि आपके पास कुछ आखिरी क्षण है, जब आप घर वालों से विदा लीजिए और मेन दरवाजे से बाहर आइए, तब एवरीथिंग वाज जस्ट गॉट फ्रीज। और मैं सिर्फ फ्रीज और जोन्ड आउट हो चुका था। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। जब तक मैं वैनिटी में पहुंचा, तब तक सब कुछ एकदम ब्लैंक ब्लैंक हो गया था मेरे लिए। इसके पहले एक बार और सलमान सर ने आपके साथ खेला था कि आप इविक्ट हो रहे हो, जिसमें शालिन आपसे गले मिल रहे थे, सलमान सर ने भी बोला, सब लोग ने बोला कि ये एक फेक रिएक्शन था शालिन का। वैसे जब असली में आप इविक्ट हो रहे थे तो उस समय किसी का फेक रिएक्शन लगा आपको? यार मुझे उस समय अपना ही रिएक्शन देखने का होश नहीं था, तो बाकियों का तो रिएक्शन, क्योंकि शालीन जब वो पहला वाला था, तब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर था, क्योंकि 2 दिन पहले आई थिंक करण जौहर ने जो भी बात हुई थी हमारी, वो फेक रियल फेक रियल। तो मुझे लगा था, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट था कि ठीक है जाना है तो चलते हैं यार, तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रिपेयर था, इसलिए मैं उठ के चला गया था। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा उस टाइम पे। बट इस टाइम पे थिंग्स वर डिफरेंट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जब जोन्ड आउट हुआ तो मुझे पता ही नहीं, मतलब मुझे पता नहीं मैं किस किस से गले मिला, किस से मेरी क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या मैंने किसको बोला, आई हैव नो आइडिया। ये मैंने अभी जब टेलीकास्ट देखा तो मुझे पता लगा कि अच्छा, मैं इससे भी मिला, मैं उससे भी मिला, मैंने सौंदर्या को गले मिला, लेकिन वो भी चीज़ दिखा दी गई कि मैंने उतनी शिद्दत से गले नहीं मिला। तो वो मेरे लिए बहुत स्टूपिड था यार, रिएक्शन घर वालों का। आपका एक लव एंगल देखने को मिला था सौंदर्य के साथ, काफी लोगों का कहना है ये फेक है, काफी लोगों का कहना है ये रियल है, आप क्या मानते हैं इसको? यार मैं कुछ फेक नहीं करता। आई थिंक मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि 50 दिन 150 कैमरा के सामने एक फेक चीज़ करूँगा। इतना बड़ा एक्टर हूँ नहीं मैं। तो मैंने जो किया, मैंने दिल से किया। आई थिंक बाकी लोगों का सोचना अपना तरीका है। आई थिंक हमारे लिए ज़रूरी यही है कि हमारे जो आसपास हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारी जो फैमिली है, उनको चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे दोस्तों को चीज़ें पता होनी चाहिए। आई थिंक बाकी हमारी जो चीज़ों को वो बहुत जल्दी जज कर लिया गया। अगर ये 5वें 6वें वीक में किया जाता तो शायद थिंग्स वुड हैव बिन डिफरेंट, बट 3रे वीक में ही वो जजमेंट बना दी गई चीज़ों को लेके। तो आई थिंक इट वॉज टू अर्ली टू जज। और तब से 3 हफ्ते तक मैं यही पॉइंट प्रूव करे जा रहा था, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। ये दो लोगों की पर्सनल बात है, और एक बार उन्होंने बोल दिया कि सर है, रियल है, चीज़ें हैं, 2 बार 3 बार बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं उसी चीज़ों के ऊपर प्रेशर हो रहा था, उन्हीं चीज़ों के ऊपर मुद्दे बन रहे थे। तो आई डोंट नो या आपने घर में 7 हफ्ते बिताए, इसी के साथ साथ एक और लव एंगल शालिन और टीना का दिख रहा है, तो ये दर्शक को आप बता सकते हैं कि कितना जेन्युइन वो रिश्ता है? यार लव एंगल, उसे नाम देना तो बहुत ख़राब है, बिकॉज़ कोई लव एंगल नहीं है वो। इट्स ऑल ऑन फॉर कैमरा। वो तो पहले दिन से सब घर वालों को भी पता है, जनता को भी दिख रहा है वो बाहर, कि द वे शालिन बिहेव्स, द वे टीना बिहेव्स। आई थिंक वो दोस्ती है, आई थिंक दोस्त हैं वो, अच्छे दोस्त हैं, बन गए होंगे अच्छे दोस्त अब तक। बट लव एंगल नहीं है वो, किसी भी एंगल से लव एंगल नहीं है कि आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, आपकी चीज़ें कुछ और पोट्री हो रही हैं, आपकी हरकतें कुछ और दिख रही हैं। मेरे हिसाब से वो जेन्युइन नहीं है। इट्स ऑल फेक, इट्स फॉर द कैमरा, इट्स फॉर द पीआर स्ट्रैटेजीज, यही मेरा मानना। आपने ये सोचा था आप इतनी जल्दी एक्ट हो जाओगे? मैंने नहीं सोचा था यार, किसी ने भी नहीं सोचा था। तभी आई थिंक आई एम स्टिल ट्राइंग टू एब्जॉर्ब दैट थिंग।
मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जाऊंगा या इतनी जल्दी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बचा था, बहुत कुछ करना था। 7 हफ्ते ही हुए थे, 50 दिन हुए थे, तो बहुत 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 चीज़ें बची थी आई थिंक, और वो कहीं ना कहीं मुझे क्लोजर नहीं मिला। कुछ मुद्दे अधूरे रह गए अंदर, आई थिंक जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक वो अंदर वो हल चल रहेगी। आपके हिसाब से कौन था जो आपसे पहले होना चाहता था या मींस हो सकता था? यार बहुत लोग हैं अंदर, आई थिंक अंकित हैं, सुम्बुल हैं, एमसी स्टैन हैं, इवन फॉर दैट नेम से एक निमृत है, क्योंकि वो क्या ही कर रही हैं अंदर, वो सिर्फ इधर उधर सहारा लेके बचे जा रही हैं हर वीक। उन्होंने ग्रुप पकड़ लिया उसी के सहारे से, उनको पहले वीक से बोले जा रहा है, कैप्टनसी के बाद से उनको बोले जा रहा है कि उनका ओरिजिनल स्टैंड कहाँ है। वो अभी भी वही हैं, अभी भी लास्ट वीकेंड के बारे पे उनको बोला भी गया, 2-3 दिन एपिसोड देखे होंगे आप लोगों ने, उसके बाद भी वो वही है। तो आई डोंट नो, आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड जो दे डोंट डिजर्व टू बी इन दी हाउस एंड दे आर स्टिल देयर। आई लाइक पीपल लाइक प्रियंका, अर्चना, शिव, एटलीस्ट वो स्टैंड तो ले रहे हैं अपनी चीज़ों का, एटलीस्ट वो सामने से खेल रहे हैं, अगर फेवरेटिज्म चल रहा है तो वो कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का के लिए आई थिंक बिग बॉस बना है यार, कि अगर भीड़ का पार्ट तो आप बाहर भी बन जाते हैं यार, बिग बॉस में जुड़ने का मतलब ही ये है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा सकें, अपना स्टैंड दिखा सकें। अगर आप वो भी नहीं दिखा पा रहे जस्ट बिकॉज गेम में रहने के लिए कि आप फेमस हो जाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे और व्हाटएवर, उसके लिए अगर आप अपने आप को ही भूल जाएं तो वो भी क्या गेम करोगे आप। लोगों का मानना ये भी है कि आपका इवेक्ट होने का एक ये रीजन था कि आप प्रियंका से ज्यादा दोस्ती कर रहे थे या प्रियंका के ग्रुप में गए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आई थिंक प्रियंका का कोई ग्रुप नहीं है, प्रियंका का ग्रुप सिर्फ प्रियंका और अंकित है, और मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बना शुरू से, और ना ही मैं ग्रुप में, मैं भीड़ का पार्ट भी नहीं बनना चाहता, ना ही मैं कभी बनाऊँ अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो बिग बॉस के घर में हो चाहे बाहर हो। आई थिंक मेरे को जो लोग अच्छे लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं, आई जस्ट टॉक टू देम, उसमें ग्रुप का पार्ट, भीड़ का पार्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दैट। अगर मुझे प्रियंका के साथ मेरी प्रॉब्लम्स रही हैं, मेरी आई थिंक सेकंड फाइट घर में प्रियंका के साथ ही हुई थी, जब उन्होंने मान्या का ज़बरदस्ती स्टैंड लिया था, तो बट मुझे वो लड़की पसंद है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपनी स्टैंड ले सकती है, उसमें वो दम है अपने मुद्दों को सामने रखने का, वो किसी को प्लीज़ करने के लिए बिग बॉस में नहीं आई, इसलिए मुझे वो कहीं ना कहीं पसंद है लड़की, और आई रियली अप्रिशिएट हर एज अ इंडिविजुअल। लेकिन ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं कि वो अंकित के बारे में सोचती हैं ज़्यादा, और ताकि उनको समझाया भी गया, उनको बताई भी बहुत चीज़ें गई हैं, उसके बावजूद भी अंकित को बचाने के लिए अगर आप अपनी गेम ख़राब कर रही हैं, अपनी चीज़ें ख़राब कर रही हैं, तो वो उनका पर्सनल कॉल है। बट मेरा यही है कि मुझे जो लोग पसंद हैं या जिनसे मुझे बात करना पसंद है, आई थिंक मेरे लिए आई जस्ट गो एंड टॉक टू देम, मेरी उसमें ईगो नहीं कम होती, और मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में अगर बस चले तो सब अलग अलग एक कोना पकड़ लें और सब अपनी अपनी चीज़ों में बैठ जाएं, अपने उसके लिए हम उस घर में नहीं है। ऑफकोर्स वहाँ 2 दिन बाद 2 दिन में दोस्ती होती है और 2 दिन में दुश्मनी होती है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और मैं प्रियंका के साथ किसी ग्रुप में नहीं था, और आखिरी में जो उन्होंने मुझे डिच भी किया, ऑफकोर्स आई रिएक्टेड ऑन दैट, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर शायद ये अर्चना होती तो मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट प्रियंका ने ऐसा किया, और मैंने उनको ये भी बोला कि आप मुझे सामने से बोलती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन आपने वो नहीं किया, इसलिए यू नो आई गॉट हर्ट। शालिन और आपकी बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे, काफी नोकझोंक देखी हम लोगों ने, और आपकी दोस्ती भी हुई और सौंदर्य को लेके आपसे नोकझोंक भी हुई, उनके बारे में कुछ बताएं। शालिन से मेरी दोस्ती थी शुरू से यार, वी हैड अ गुड बॉन्ड, बट धीरे धीरे जब वो अपने दोस्त की चीज़ों को ही ख़राब करने लगे, चाहे वो सौंदर्य हो चाहे वो बाकी भी कोई चीज़ हो, तो ऑफकोर्स मैं नहीं हूँ कि मैं कैमरे के लिए या फेक रहने के लिए शालिन से दोस्ती रखूँगा, और मुझे ना दोस्तों की कमी है ज़िंदगी में, और ना ही मुझे गेम जीतने के लिए कोई दोस्त बनाने हैं, ना ही मेरा ये थॉट प्रोसेस था जब मैं अंदर भी गया था। आई वॉज़ वेरी क्लियर विद माई थॉट प्रोसेस, एंड मैं कुछ प्लान करके नहीं गया था कि मैं किससे दोस्ती करूँगा किससे नहीं करूँगा। उनसे एक बॉन्डिंग हुई, एक अच्छी हुई, उसके बाद जब उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू करे, सो आई टुक अ बैक स्टेप, एंड वहाँ से मैंने चीज़ें बोल दिया उनको, यार मैं फेक हूँ यार, मत रहो मेरे साथ। किसी भी सौंदर्य को एक वीडियो भी क्लिप दिखाई गई थी जिसमें आप लोग बात कर रहे थे, मींस आप सुन रहे थे, शालिन बात कर रहे थे, उसका रिएक्शन आया था सौंदर्य से, तो रिएक्शन करना कितना सही था आपके लिए?
आई थिंक वो थोड़ा ओवर कर दिया था सौंदर्या ने, मुझे ऐसा लगता है. ऑफकोर्स वो हर्ट हुई, ऑफकोर्स समझ आती है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता था कि उससे पहले मेरी जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन सुन लेती वो, जो उन्होंने बाद में सुनी, उसके बाद वो काम डाउन हुई. अगर वो पहले सुन लेती तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ही ना खड़ा होता वो. शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं पहले उन्हें सुनता, समझता और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता. बट आई थिंक अगेन इट्स एन इंडिविजुअल परसेप्शन. उनका जो माइंडसेट है वो उनके लिए है और जो मेरा माइंडसेट है वो मेरे लिए है. आई थिंक दैट्स कॉल्ड अ मैच्योरिटी. बट हाँ, उनका रिएक्शन मुझे थोड़ा सा ओवर लगा था, इसलिए इसलिए मैं उस समय भी चुप था. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू काम अ डाउन. मैं भी चिल्ला सकता था, मैं भी जवाब दे सकता था बहुत चीज़ों के, बट ठीक है. उनको रिएक्ट करना था दैट वे, तो आई वॉज जस्ट क्वाइट फॉर सम टाइम. या कोई एक पर्सन आफ्टर द बिग बॉस जिसे आप कभी मिलना चाहते हैं? चालिन बनॉट. कोई स्मार्ट प्लेयर जो अभी तक सबसे अच्छा खेल रहा है बिग बॉस में? शिव ठाकरे. किसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है? शिव ठाकरे.